के प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह रुपिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क पुणे। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह त्योंथर में इन दिनों जोर शोर से प्रचार कार्य में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपना एक त्योंथर को लेकर डॉक्यूमेंट भी जारी किया है। उनका साफ तौर से कहना है, मैंने त्योंथर के विकास के लिए एक खाका बनाया है, अगर जनता ने हमें अपना मत दिया और विधानसभा में पहुंचाया तो मैं त्योंथर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम करूंगा, जो आज तक त्योंथर के किसी भी विधायक ने नहीं किया। आइए आपको सुनाते हैं त्योंथर के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह से जब हमने बात की तो उनका क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। त्योंथर में इस बार बहुजन समाज पार्टी को अपार जन समर्थन मिल रहा है, भारी मतों से हम जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस भाजपा है कमजोर, हाथी चली विजय की ओर। मुझे जो है बहुजन समाज पार्टी को इस ढंग से समर्थन शायद पहली बार जो है मिलने जा रहा है और मिल रहा है। त्योंथर के विकास का संकल्प है, अपना सपना सुंदर त्योंथर का संकल्प है। मैंने जो देखा है कि त्योंथर को हम विश्व के पर्यटन के नक्शे पे लाएंगे। वो बौद्ध धर्म का जो है तो यहाँ देउर कोठार जो बौद्ध स्तूप है उसमें भीम बैठ का, सांची और मांडू तीनों का संगम है और तीनों को जो है तो मैं विश्व के पर्यटन नक्शे कदम पे लाके वहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स जो पहाड़ों में होता है वो एयर बैलून और वो पैराग्लाइडिंग शुरू करेंगे। चाक घाट में अपने को नदी जल का उपयोग अब वाटर स्पोर्ट्स रिवर राफ्टिंग और इसके लिए करेंगे। चाक घाट के दोनों तरफ का घाट और उसका निर्माण करेंगे। चाक घाट में सीएम राइज के स्कूल है, चाक घाट का पुराना बैरब वैभव है, कैसे वापस लौटेगा उसके लिए हम काम करेंगे। किसानों की खुशहाली के लिए ऐरा प्रथा की जो व्यवस्था है, वो आवारा पशुओं की समस्या उसको जो है तो हम बिंद पर्वत श्रृंखला के किनारे लगभग 10 गौ अभ्यारण्य बना के आवारा पशुओं से निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। नदी जल का उपयोग करके किसानों के लिए जो सोलर पंप के माध्यम से नदी के किनारे 100-150 गांव हैं उनका अथाह पानी जो है तो समुन्द्र में जाता है, उस पानी का उपयोग करके कि सूर्य भगवान जब निकलें तो किसान को 50 हर्स पावर के सोलर पंप लगा के वो गाँव को सिंचाई युक्त कर दिया जाए और गांव खुशहाल हो जाए, किसान खुशहाल हो जाए। 24 घंटे पानी, वो बिजली की समस्या के लिए लगभग 2000 ट्रांसफार्मर यहां ज़रूरत है तो 2000 ट्रांसफार्मर लगवाने की व्यवस्था करेंगे। 24 घंटे सातों दिन बिजली मिले, 10,000 युवाओं को रोजगार देने का मैं प्रयास करूंगा कि जो सूरत और बॉम्बे जाता है लड़का गाँव में ही उसको रोजगार मिले। मेरा गाँव मेरा तीर्थ करके योजना है, उस योजना के कारण तीर्थ वो होता है जहाँ पे माँ बाप रहते हैं, वो देवी देवता रहते हैं। तो गांव में बालक के माँ बाप रहते हैं, माँ बाप को ही देवी देवता मान के मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना बना के कि गांव का लड़का गांव में रहे, अपने बुढ़ापे में अपने माँ बाप को सहारा दे। इसके लिए जो है तो मेरा गाँव मेरा तीर्थ योजना के माध्यम से बच्चों को यहीं रोजगार देने का प्रयास करूँगा और शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य तीन मूलभूत अवस्थाएं होती हैं। तो बालिका कन्या विद्यालय जो है तो रायपुर सनौरी में गढ़ी में और महाविद्यालय रायपुर सनौरी में गढ़ी में, चाक घाट सनौरी और गढ़ी को उप तहसील और कटरा को उप तहसील। इस ढंग से किसानों को जो है तो त्योंथर न भटकना पड़े, त्योंथर को जिला बनाने का प्रयास होगा जो भौगोलिक दृष्टि से स्वतः जो है तो जब मऊगंज जिला बन सकता है तो त्योंथर मरने लायक है। तो त्योंथर ककरहा से लेके डभौरा तक का एक जो है तो जिला स्वतंत्र जिला बनाने का मेरा प्रयास रहेगा। तो चाक घाट त्योंथर के जो पहाड़ हैं, पहाड़ी अंचल हैं, वहाँ स्कंद माता हैं जो 51 शक्तिपीठों में हैं,
बसदेन देवी हैं, अड़गढ़ नाथ है, तो यहाँ रूपवे के माध्यम से, झूला के माध्यम से इन पर्यटन केंद्रों का विकास करूंगा। तो चाक घाट को, चौथर को पर्यटन हब बनाऊंगा और पूरे देश के पर्यटक यहाँ पे आएंगे और त्योंथर का सर्वांगीण विकास होगा। जो अपना सपना सुंदर त्योंथर है, वो सपना मेरा सफल होगा। आपने इतनी सारी बातें, इसका सीधा सा अर्थ त्योंथर का विकास नहीं हुआ तो बिल्कुल बिल्कुल 55 से 60 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, 18-20 सालों तक भाजपा की सरकार रही और त्योंथर वहीं का वहीं रह गया है। त्योंथर वहीं का वहीं है, त्योंथर की जनता हमेशा चली गई, कभी भाजपा के द्वारा कभी कांग्रेस के द्वारा। अभी तो इस बार तो मतलब एक वो हो गई, अति हो गई कि 60 साल तक कांग्रेस को गरियाने वाला परिवार, तीन पीढ़ियों से कांग्रेसी परिवार, नपुंसक वैश्या इन शब्दों का प्रयोग करने वाला परिवार अब भाजपा का सिरमौर बना है और भाजपा के टिकट से बिंद की बैतरणी पार करना चाहता है। त्योंथर को चारागाह समझ के यहाँ पर जो है तो 77-80 में उनके बाबा ने चरा, अब नाती चरने आया है। ये लड़ाई त्योंथर की जनता लड़ रही है, त्योंथर का सम्मान की लड़ाई है, त्योंथर के लोग लड़ रहे हैं, त्योंथर का हर व्यक्ति देवेंद्र सिंह के रूप में खड़ा है। इसलिए ये लड़ाई हम भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।